ये क्वेश्चन दिया हुआ है मैं पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री वन अपॉन वन प्लस रूट कॉट एक्स, ठीक है। एक काम करो, इसको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। पाई बाय सिक्स से कहाँ तक? पाई बाय थ्री तक। रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, तो जब लिखोगे तो क्या आएगा? ऊपर आएगा हमारा एलसीएम लेके रूट साइन एक्स, यहाँ पे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स आई, ठीक है। नाउ यूजिंग, क्या यूज़ कर रहे हैं हम? ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, लगा दो इसमें। आई इक्वल्स टू पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री रूट पाई बाय सिक्स थर्टी प्लस 60 कितना 90 यानी कि पाई बाय टू। तो जहां भी x है वहां पर क्या पाई बाय टू माइनस x साइन पाई बाय टू माइनस x होल अपॉन अंडर रूट साइन पाई बाय टू माइनस x प्लस कॉस पाई बाय टू माइनस x और ये dx एक्स साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो I ये पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स ऑन एडिंग वन एंड टू, ठीक है, ऑन एडिंग वन एंड टू। तो I प्लस I कितना 2i, ये कितना पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री, फर्स्ट में था रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स प्लस सेकेंड में ये रहा सेकेंड पाई बाय सिक्स से कहाँ तक पाई बाय थ्री तक रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स, लिमिट सेम है, ऐड कर दो इनको। तो टू आई इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स होल अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। तो ये कितना आ गया सिंपल डी एक्स। तो टू आई इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो कितना आया, टू आई इक्वल्स टू एक्स और ये पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री। तो 2i इक्वल्स टू अपर लिमिट पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स, ठीक है। ये कितना 60, ये कितना 30, तो 60 माइनस 30 कितना 30। तो i कितना 2i कितना आया पाई बाय सिक्स, तो i कितना आ गया पाई बाय 12, ठीक है।